माशाल्लाह वकास भाई बहुत मुबारक हो, खुशी और आपका जो है वो उम्र का जो है वो टिकट निकला, कैसा महसूस कर रहे हैं सर? फर्स्ट ऑफ ऑल मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा है, ये बस आप ही की वजह से हमें ये सारों की, क्योंकि मैं तो इस काबिल भी नहीं था कि ये मैं सिस्टम में आ सकता था, और बस ये आपकी मोटिवेशन की वजह से। ये वकास भाई हैं, इनका निकला उम्रे का टिकट। आपने किधर से स्टार्ट किया था? सर मैंने बेसिकली छोटे चेक से ही स्टार्ट किया था। ये आपने वकास भाई के जज्बात देखे हैं, बहुत खुश हैं माशाल्लाह से, क्योंकि हर बंदा खुश होता है, सरकार बुलाते हैं तो बंदा जाता है, उधर से बुलावा आता है तो इंसान जाता है। होता ये था कि कस्टमर को ब्रीड प्रोवाइड की जाती थी, बाद में हाथ झाड़ लिए जाते थे और रफू चक्कर तू ये जा मैं ये जा का वतीरा इख्तियार किया जाता था। ये तो खुद बहुत बड़ा एक इनिशिएटिव था जो इन्होंने लिया कि सभी कस्टमर को जिनको एक चूजा या एक ब्रीडर भी दिया उनको भी इस दावत में शामिल किया। मैंने इनसे पहले ये पूछा कहीं आपने ये वो परेशान कर दिया कि उन्होंने कहा कि अगर कोई एक भी चूजा जिसने परचेज किया था हमने उनको भी दावत दी है और उनको भी इन्वाइट किया। तो सबसे पहले तो बहुत बड़ा ये वो गड़ियां आन पहुंची हैं जी, जिनका सबका इंतजार था, सबको जिसके लिए आप सबको बुलाया गया, आपने अपना कीमती टाइम दिया। हाफिज भाई साहब वो पर्ची निकाल रहे हैं उस खुश नसीब की, राम भाई को दे दे और वो पढ़ के सुना देंगे और पर्ची दिखा भी दे सबको। माइक पकड़ना जी, माशाल्लाह ये है मुहम्मद किया है जो इससे पहले देखने में और महसूस करने में जिसका फुकदान था। होता ये था कि कस्टमर को ब्रीड प्रोवाइड की जाती थी, बाद में हाथ झाड़ लिए जाते थे और रफू चक्कर तू ये जा मैं ये जा का वतीरा इख्तियार किया जाता था, लेकिन इन्होंने पब्लिक डीलिंग और कस्टमर सर्विसेज में एक अहम रोल प्ले किया कि उन सभी लोगों को, अपने सभी कस्टमर्स को इकट्ठा किया, ना सिर्फ इकट्ठा किया बल्कि उनको अच्छे और प्रॉपर तरीके से दावत दी, अपने दस्तरखान पे सभी को जमा किया ताकि किसी को शिकवा या शिकायत ना रहे, और फिर एक इनाम के तौर पे एक ये तो खुद बहुत बड़ा एक इनिशिएटिव था जो इन्होंने लिया कि सभी कस्टमर को जिनको एक चूजा या एक ब्रीडर भी दिया उनको भी इस दावत में शामिल किया। मैंने इनसे पहले ये पूछा कहीं आपने ये वो लोग तो नहीं जमा किए जिनको आपने बहुत बड़ी अमाउंट का माल सेल किया था? तो इन्होंने ये बात करके मुझे तो हैरान और परेशान कर दिया कि इन्होंने कहा कि अगर कोई एक भी चूजा जिसने परचेज किया था हमने उनको भी दावत दी है और उनको भी इन्वाइट किया। तो सबसे पहले तो बहुत बड़ा ये कदम था जिसपे खराज तहसीन और खराज अकीदत में पेश करता हूँ, और एक नई रीत और नया रवाज इन्होंने इस फील्ड में ये नया रवाज दाखिल कर दिया है कि अपने आने वाले मुअज्जिज़ीन और अपने आने वाले जो इंतहाई अहम मेहमान थे, ज़ुयूफ़ इकराम थे, उनको एक बहुत बड़ा पैकेज और बहुत बड़ा इनाम जो कुरंदाजी की सूरत में उम्रे की टिकट के वाले से भी इन्होंने दिल जीत लिए, कसम से मेरा दिल जीत लिया। अगर आपका भी जीता है तो आप इजहार कीजिएगा, क्या वाकई आप सभी से सेटिस्फाइड हैं? क्या सभी इस चीज से भी सेटिस्फाइड हैं कि इन्होंने जिनको एक भी चूजा सेल किया था वो भी यहाँ पे मौजूद हैं? अगर हैं तो कोई बोले तो सही यार। अच्छा तो अब प्रॉपर तरीके से कुरंदाजी की अनाउंसमेंट के लिए मैं नदीम साहब से कहता हूँ कि वो इस इवेंट को, मजीद भाई बहुत देर से बैठे हुए हैं, कुरंदाजी करवाई जाए। दिल की धड़कने तेज है बहुत से लोगों की, उनके साथ मेरी भी और नदीम साहब की भी, कि आज माशाल्लाह कौन खुश नसीब होगा जो इस नेमत उज़्मा से मुस्तफीद होगा, और आइंदा एक हफ्ते या 10 दिन के अंदर अंदर अल्लाह के घर का वो तवाफ और उमरा कर रहा होगा, वहाँ लब्बैक की सदाएं वो बुलंद कर रहा होगा, और यहाँ नदीम साहब के लिए तोशा आखरत और अजरे अजीम में इनको भी एक हिस्सा आ रहा होगा। ये अनाउंसमेंट कीजिए। बहुत शुक्रिया जी इकराम भाई। अब उमरे की कुरानदाजी की पर चुका है, जिसका बुलावा बैतुल्ला शरीफ से आ चुका है, जिसके नाम का उमरे का टिकट निकला जाएगा। आप इधर हो सर, वो गड़ियां आन पहुंची हैं जी, जिनका सबका इंतजार था, सबको जिसके लिए आप सबको बुलाया गया, आपने अपना कीमती टाइम दिया। हाफिज भाई साहब वो पर्ची निकाल रहे हैं उस खुश नसीब की, राम भाई को दे दे और वो पढ़ के सुना देंगे और पर्ची दिखा भी दे सबको। माइक पकड़ना,
जी माशाल्लाह ये है मोहम्मद वकास टैक्सला से, मोहम्मद वकास साहब टैक्सला से, उनके लिए जी भरपूर तालियां। माशाल्लाह जी सुभान अल्लाह ज़हीर नसीब मोहम्मद वकास फ्रॉम टैक्सला, उम्रे का टिकट उनका निकला है, दरे नबी से बुलावा था मोहम्मद वकास साहब के लिए। और जिन लोगों का बाकी जितने भी अहबाब हैं उन्हें मायूस होने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है कि इंशाल्लाह हर महीने ये प्रोग्राम हमारी तरफ से जारी और सारी रहेगा। ये आप सब देख सकते हैं, पर्ची आके देख लें, मोहम्मद वकास साहब टैक्सला से इनका उम्रे का टिकट निकला है। पूछ लेना अगर आपका कुरंदाजी में नाम निकल आया है। खैर मुबारक, वापिस आ जाए अगर नजदीक है तो। अच्छा चले, मेरे पास हमारे साथी बैठे हुए हैं, उनके लिए मिठाई भी लेते आइएगा। कितनी देर तक आ रही है? बस आ जाए वापिस। माशाल्लाह वकास भाई बहुत मुबारक हो आपको जी, और आपका जो है वो उम्रे का जो है वो टिकट निकला, कैसा महसूस कर रहे हैं? सर फर्स्ट ऑफ ऑल मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा कि अल्लाह ताला ने मुझे ये ऐसी इस्तेआदा दी है और अपने दर पे बुलाया है, तो ये तो बस मेरे वालदैन की दुआओं की वजह से मुझे ये, और कुछ आपकी टीम की वजह से मैं इस काबिल पहुँचा, और ये जो मुझे इनाम मिला है ये बस आप ही की वजह से हमें ये सारों की, क्योंकि मैं तो इस काबिल भी नहीं था कि ये मैं सिस्टम में आ सकता था, और बस ये आपकी मोटिवेशन की वजह से तो मैंने ये अचीवमेंट हासिल की है। माशाल्लाह मुझे बहुत खुशी है कि मैं यकीन नहीं कर सकता कि मैं, मेरे पास अल्फाज नहीं है कि मैं बयान कर सकता हूँ। देखें जी माशाल्लाह वकास भाई माशाल्लाह से काफ़ी खुश हैं जी, क्योंकि इनका उम्रे का टिकट, काफ़ी सारे बंदे थे तकरीबन 100 से ऊपर जो थे बंदे जिनकी हमने के नाम डाले, तो 180 थे जी, 180 थे जी, 180 थे बंदे जिनकी हमने जो है ना वो डाली हैं। तो माशाल्लाह से ये वकास भाई हैं, इनका निकला उम्रे का टिकट। आपने किधर से स्टार्ट किया था? सर मैंने बेसिकली छोटे चेक से ही स्टार्ट किया था, और माशाल्लाह उसमें काफ़ी मुझे इम्प्रूवमेंट हुई है। कुछ मोर्टेलिटी भी होती है, ये तो बस अल्लाह के काम है, उसमें ऊपर नीचे होते रहते हैं, लेकिन अल्लाह ने साथ दिया और उसकी उनकी मदद और वालदैन की वजह से मुझे काफ़ी ये सहारा हुआ, जिसकी वजह से मैं ये किया, कवर किया, और शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह कि मैंने ये अचीव मिल ली है। माशाल्लाह से जी, आपने वकास भाई के जज्बात देखे हैं जी, बहुत खुश हैं माशाल्लाह से, क्योंकि हर बंदा खुश होता है, सरकार बुलाते हैं तो बंदा जाता है, उधर से बुलावा आता है तो इंसान जाता है, तो माशाल्लाह अल्लाह पाक खुश रखे जी इनको, और बहुत बहुत मुबारक हो जी आपको। ओके जी, थैंक यू।